मोदी जी हमारी इस दुखती हुई रग पे हाथ रखे ना रखे, हमारे जज्बात को समझे और इन बैठे हुए मवाली इन बदमाशों से हमारी इस कौम को निजात दिलाएं। एक सरहिंद, ये कुछ ऐसे मजार हैं जिनके लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर कहलाए, बाकी सब ये मौत से, मुसलमान लड़े हिंदू से, हिंदू लड़े मुसलमान से, सरकार लड़े राज सरकार से और राज सरकार लड़े मुसलमानों से, यही समय चलता रहा, इनकी गुल्लकें भरती रही। मेरा विरोध करने के लिए हिम्मत चाहिए, अगर मैं इतनी जिंदगी जी लिया मगर मैं अपने बच्चों को अजमेर में पिटता हुआ नहीं देखना चाहूंगा, मैं अपने किसी जनरेशन के व्यक्ति को धुतकारे मार के भगाता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। तो मैंने तो अपना जीवन समर्पण कर दिया है इन खादिमों की बदमाशी के खिलाफ, इतनी विल पावर के साथ मैं बैठा हुआ हूं कि मुझे सरहद पे ले चलो और जिधर पाकिस्तान की सेना हो उसको मुझे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दो, मैं देश की शान के लिए अपनी आन जान शान सब निछावर कर दूंगा। अंजना ओम कश्यप वहां नहीं होती अगर ये पहले मेरे जमाने में 20 साल पहले यहां नहीं होती, रवीश कुमार वहां नहीं होता, उसके चाहने वाले नहीं होते, जिसने यहाँ की दही बड़ा खाया भूखे रह के और जिसने यहाँ का समोसा खाया, जिसने यहाँ पे दुख तकलीफ उठाई है। तो मायावती के पैदा होने से लेके और पतन तक मैं हूँ, काशीराम बोलो वहां से लेके काशीराम के पैदल चलने वजीरपुर से लेके पंजाब में जाके और कोमा में जाने तक का लिए मैं हूँ। मुझे बोलो कि केजरीवाल की जिंदगी में 4 इंसुलिन लगते थे और आज वो करोड़ों रुपए में उसके तुच्छे मुच्छे जो कार्यकर्ता बिक रहे हैं, आपने बोला टीवी नहीं देखते, मैं टीवी की खबरें बनाता हूँ। हम अजमेर इसलिए नहीं जाएंगे कि वहां पे वो खुद 5,000-9,000 आदमी है और 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, जाके घर 6 हाथ है बाकी अंचल गए पंच, दादा वहीं, पोता वहीं, बेटा वहीं, दामाद वहीं, बहनोई वहीं, फूफा वहीं, किसे जाके पिटोगे? तो खादिमों के खिलाफ जब तुम वहां बोलोगे तो वो अजगर की कुंडली लगाए बैठे हैं, 6 महीने में एक बार सांस लेते हैं और साल भर में एक बार उन्हें खाना नसीब होता है और मेरे जैसे खा गए तो कौन जिम्मेवार होगा? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर मुकद्दस दरगाहों मजारों पर बैठे जो मुजाबिर होते हैं, जो खादिम होते हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। किस तरीके से वो लोग जो है पैसा वसूलते हैं उसी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ, हमारी संस्था है मदीना मस्जिद मदरसा हनफिया हिमातुल इस्लाम उधम सिंह पार्क इंतजामिया कमेटी दिल्ली से। तो मैं अपने जीवन में जो मैंने देखा है उस एक्सपीरियंस को मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आज आने वाले कल से पीछे बीते हुए कल से लेके और आने वाले कल में जैसे मैं मेरी जनरेशन इस दुख को सहन करते करते एक दिन कब्र में दफन हो जाएगी, मगर हमें सबक क्या मिलेगा? आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा हम दे के जाएँ जो हमारे नामाए अमाल में सदकाए जारिया मतलब पुण्य का काम हो। तो मैंने ये फैसला किया था, अपने चंद साथियों से मशवरा किया कि ये जो मजारों पे हर धर्म सब जाति सब प्रांतों के लोग आते हैं, इवन विदेश के भी लोग आते हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की अगर बात लें तो विश्व प्रसिद्ध वहाँ पे एक और जगह है जिसे हम पुष्कर कहा करते हैं। तो जो आदमी पुष्कर आता है वो अजमेर भी जाता है। अब वो इस अमरीका का है, इंग्लैंड का है, कहाँ का है उसको क्या मालूम? वो अपने हिंदुस्तान की सभ्यता को दो रूप में देखता है, एक तरफ मुसलमान होते हैं एक तरफ हिंदू भाई होते हैं। तो जहाँ पे उसको यहाँ मिलता क्या है? मिलता ये है कि हमारे एक रुपए की कीमत पाकिस्तान से ज़्यादा हो सकती है, बांग्लादेश से ज़्यादा हो सकती है, भूटान से ज़्यादा हो सकती है, मगर इंग्लैंड का, यूरोप का और जितनी दिरहम है इन सब की मुद्रा ज़्यादा है ना। तो हमसे तो वो ले रहा है 10 रुपये चप्पल रखने के और अंग्रेज से ले रहा है वो 400 रुपये। ये भी एक गलत बात है। गाइड समझा भी रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, बोला नहीं तेरे हाथ का थोड़ी जा रहा है, हम तो ख्वाजा के दीवाने, हम तो खाएंगे। दूसरा ख्वाजा का नाम लेकर लूटा जा रहा है। हाँ, नाम ही ख्वाजा के लेते हैं, जितने मुकदमे हैं वो सारे ख्वाजा शरीफ के नाम है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम है। इनके साथ क्या बीतेगी अल्लाह बेहतर जाने, मगर जो हम पे बीत रही है हम तो जीते जी अपने दुख को इजहार कर रहे हैं लोगों के सामने। हमको दवाई कब्र में नहीं चाहिए, हमको पोलियो की दवाई, ये कोरोना की महामारी की दवाई यहीं पीनी है और ये पीरों के लगाए हुए रोग की भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन जो हम पे असर करे और इनका मुंह बंद करे, इनकी हरकतें बंद करे। इसलिए हमने गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया। तो होता क्या है कि आप चप्पल लगाओगे तब आपको पैसे, आगे बढ़ोगे फूल लोगे तो पैसे, उससे आगे बढ़ोगे चादर लोगे तो पैसे, और अगर आपने उनके किसी भी काम में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया तो उनके पास कोड वर्ड है, वो इशारा कर देते हैं।
जब आप दरगाह के समीप जाओगे तो आपको बिल्कुल भी दरगाह में उस तरीके से अपने आपकी आस्था के अनुसार वो कोई भी काम करने नहीं देंगे, इग्नोर करके भगा देंगे। तो है क्या कि 200 करोड़ रुपए की तो आबादी है, फूले 200 करोड़ रुपए की तो इनकी आमदनी है सरकार के लेके जुगे में, और जो आदमी अपने जेबों में भर भर के शिफ्ट बाई शिफ्ट पैसे लेके जा रहे हैं उसका हिसाब क्या। तो हमने मांग की है कि सारा चंदा SDM और DM की देख रेख में गुल्लकों में जमा हो, उसकी गिनती भी उनके सामने हो, और इस पैसे से सामाजिक दृष्टिकोण से हॉस्पिटल हो या कोई डिस्पेंसरी हो या कोई, जब सब धर्म का पैसा है तो सब धर्म में के लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, स्कूल के लिए काम हो, स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए हो, कोचिंग सेंटर हो, कोचिंग सेंटर हो, या कुछ भी ना हो, वृद्धा आश्रम हो जाए। सोशल वेलफेयर किसके जेब में जाता है, कहाँ जाता है? मुजाबिर आपस में बांट लेते हैं, मुजाबिर में सेवादार मुजाबिर होते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज जो है और सेवादार वो आपस में बांट लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर चीज पे अंकुश लग सकता है, भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तीन तलाक का मामला हमारे मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। हर तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन क्या होता था? तलाक होता था। गांव में देहातों में अनजान लोग किसी को भी पकड़ के फोन पे वो टेलीग्राम से किसी से भी, उसे भी छोड़ो, उसके अलावा भी धारा 370 वाला मामला कहां से कहां तक अटका हुआ था। तो मोदी जी जब सबके लिए सब कुछ कर रहे हो तो इन गरीब मुफलिस लाचार मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ कीजिए, इनकी एक नजर भर के देख लो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो 9000 हैं और हम 24 करोड़ हैं, तो 9000 बेहतर है हमें। हमारे वाले पॉइंट पे, हमारे दर्द पे हाथ लगा के, आजकल वैसे तो कोरोना का दौर था और लोग आला भी नहीं लगाते थे, हाथ से छूने की तो बात अलग है। जो डॉक्टर 100 रुपए लेता था वो 1000 रुपए 2000 रुपए फीस ले रहा बगैर देखे, हालात कैसे हैं वो अलग बात है। तो मोदी जी हमारी इस दुखती हुई रग पे हाथ रखें ना रखें, हमारे जज्बात को समझे, और इन बैठे हुए मवाली इन बदमाशों से हमारी इस कौम को निजात दिलाएं, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। हम भी करेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी, और ये मुक्त हो जाएं इन सब मजारों इस पे मजारों पे बैठे हुए। कैसे बच पाएगा सर, जनता निकल पाएगी या कोई लोग निकल? कौन माफिया? माफिया नहीं है। देखो जी, ऐसा होता है धर्म के नाम पे ना लोग गुमराह करते हैं। अगर मैं अशोक कुमार होता और मजार के बारे में बात करता तो मेरी बात में वैल्यू नहीं थी। जब तक मैं अनीस अहमद अंसारी बन के और ये मस्जिद के इमाम बन के मुसलमानों के मसाइल को लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे तब तक वैल्यू नहीं होगी। हिंदुस्तान आज़ाद होने से लेके आज तक और अंग्रेजों के समय तक ये मजारों पे बैठे हुए लोग, इनमें से कुछ घरानों को छोड़ के हबीबुर रहमान एक लुधियाना का शाही इमाम साहब है, उसका जो इस टाइम मौजूदा उस्मान है, और एक सरहिंद, ये कुछ ऐसे मजार हैं जिनके लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर कहलाए, बाकी सब ये मौत से, मुसलमान लड़े हिंदू से, हिंदू लड़े मुसलमान से, सरकार लड़े राज सरकार से और राज सरकार लड़े मुसलमानों से, यही सब में चलता रहा, इनकी गुल्लकें भरती रही। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप ही उन लोगों का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिख रहे, बाकी लोग नहीं दिख रहे, यानी कि वो ठीक कर रहे हैं खादिम लोग? अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जंतर मंतर पे जो लोग आते रहे हैं, मुझे यहाँ आते हुए 27 साल हो गई, वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज के समय में कोई आदमी, जैसे पहले 2020 से पहले केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, पहले कोई भी आता था पार्लियामेंट थाने में, एक एप्लीकेशन दी, हाय हुल्ला मचाया और भग गया। अब नहीं है, अब तो 3 फार्म दिए जाते हैं, उसको आप भरोगे, फिलिप करोगे, थाने से आपकी वेरिफिकेशन आएगी, व्यक्ति किस प्रकार का है। हमने ये पहला प्रोग्राम किया है, इसको अंतिम करवा लें, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। उसके लिए हमको एक अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा। हम अब आए हैं 5 जन, आगे आएंगे 15 जन, और जब हम फिर ही हैं बिल्कुल, मेरी उम्र कुछ तो होगी, मैं अपनी ज़िंदगी जी लिया, मगर मैं अपने बच्चों को अजमेर में पिटता हुआ नहीं देखना चाहूँगा। मैं अपने किसी जनरेशन के व्यक्ति को धुतकारे मार के भगाता हुआ नहीं देखना चाहूँगा। तो मैंने तो अपना जीवन समर्पण कर दिया है इन खादिमों की बदमाशी के खिलाफ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले कल में हम 200, 500
ये तो यहाँ हूँ, मगर जितने भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने प्रांत हैं, ये मेरी आवाज ही सिर्फ मुझको केजरीवाल बनने का है, अन्ना बनने का है, नहीं मुझे अपने कौम का दलाल भी नहीं बनने का है। मैं तो ये लोगों को राह दिखा रहा हूँ कि तहसील में जाओ इनका विरोध करो, डीएम के यहाँ ऑफिस में जाओ इनका विरोध करो। यहाँ पे राह दिखा रहे हैं, मगर आप ही के लोग जब आपका बहिष्कार करने लगे, मेरा किस बात का बहिष्कार किसका होता मालूम है? गुंडा लुच्चा लफंगा बैड कैरेक्टर बीसी, मेरे जीवन को जब कोई खंगालेगा ना तो उसके बाप दादा परदादा लकर दादा में भी मेरा जैसा नहीं मिलेगा। मैं वो अनीस अहमद अंसारी हूँ, मुझे कौन चैलेंज कर देगा? अगर किसी की प्रतिष्ठा पे आप उंगली उठाते हैं तो वो आप पे मानहानि का मुकदमा करेगा नहीं करेगा? जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मेरी बातों में पृष्टि है तो मैं सही कह रहा हूँ, वरना वो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक जिनके यहाँ मजार पे लुच्चे लफंगे सूटर बदमाश छिनरे इसमें की चरसी ये सब जाते हैं ना, वो तो 200 रुपए देके किसी से छुरी लगवा सकते हैं, मगर मारने वाले की हिम्मत चाहिए, मेरा विरोध करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर मैं इतनी बिल पावर के साथ में बैठा हुआ हूँ कि मुझे सरहद पे ले चलो और जिधर पाकिस्तान की सेना हो उसको मुझे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दो, मैं देश की शान शान के लिए अपनी आन जान शान सब निछावर कर दूंगा। आप तो निछावर करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन आपको मौका परस्ती और वतन परस्ती बताया जाता है। कौन मुस्लिमों को हमेशा से हमें तुम्हें मुकदमा कलकत्ता का लड़ना है कानपुर का? मुझे आप बताओ, माफ करना बिटिया, नहीं आप किसी भी हिसाब से, मैंने दुकान खोल रखी है परचूनी की, मैं तो एक लाइन ट्रैक पे चलो, उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है वो आप पूछिए, मैं मेरे बेटा मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी इस मधु देखो अंजना ओम कश्यप वहाँ नहीं होती अगर ये पहले मेरे जमाने में 20 साल पहले यहाँ नहीं होती, रवीश कुमार वहाँ नहीं होता, उसके चाहने वाले नहीं होते, जिसने यहाँ की दही बड़ा खाया भूखे रह के और जिसने यहाँ का समोसा खाया है, जिसने यहाँ पे दुख तकलीफ उठाई है। एनडीटीवी को अडानी जी ने खरीद लिया तो एनडीटीवी को, अच्छा तो अडानी जी से बचे कौन हो? कपड़े से लेके पेट्रोल से लेके हवाई जहाज से लेके आसमान और जमीन से लेके बंदरगाह क्या बचा है तुम्हारे पास? माफ करना, सब अडानी के कंट्रोल में है, मैं कैसे कह दूं? ये तो आपका सवाल है, मैंने आपको ये बताया कि कोई चीज बची हुई है तो खबर नहीं देखते आप, आज तक नहीं देखते, कुछ बची हुई है? एक चीज बता दो मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कोई चीज बेटा मेरे बची हुई है, पत्रकार बंधुओं के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि सामने वाले के मुंह में अपने शब्द रख दें। मैं वो चीज आप में देख रहा हूँ, मगर आपका वास्ता एक बहुत ही कम पढ़े लिखे मगर कुछ पढ़े ज्यादा होते हैं कुछ कढ़े ज्यादा होते हैं, 13 साल की उम्र से इससे मेरा वास्ता है, मैंने केजरीवाल पैदा किया है यहाँ से, मैंने अंधा आंदोलन के उस अंधा को आज कोमा में जाते हुए देखा है, बहुत क्वालिफाइड आदमी हूँ मैं, तो आप वो चीज पूछें जिसका मैसेज धार्मिक तो इसके लिए इसके इसके बेटा इसके लिए ना आप दिन रखो मुकर्रम, एक है ना एक दिन रखो और आप बोलो मायावती, सिर्फ आपको इतना कहना है, तो मायावती के पैदा होने से लेके और पतन तक मैं हूँ, काशीराम बोलो वहाँ से लेके काशीराम के पैदल चलने वजीरपुर से लेके पंजाब में जाके और कोमा में जाने तक का लिए मैं हूँ, मुझे बोलो कि केजरीवाल की जिंदगी में 4 इंसुलिन लगते थे और आज वो करोड़ों रुपए में उसके टुच्चे मुच्चे जो कार्यकर्ता बिक रहे हैं, आपने बोला टीवी नहीं देखते, मैं टीवी की खबरें बनाता हूँ, हम अजमेर जाएंगे नहीं पिटेंगे नहीं, हम अजमेर नहीं जाएंगे, हम अजमेर इसलिए नहीं जाएंगे कि वहाँ पे वो खुद 5,000-9,000 आदमी है और 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, जाके घर 6 हाथ हैं बाकी अंचल गए ना पंच, दादा वहीं पोता वहीं बेटा वहीं दामाद वहीं बहनोई वहीं फूफा वहीं, किसे जाके पिटोगे? जहरीन तो वहाँ पे कुत्ते के समान है। हाँ अगर आप किस आपके मैं मेरे साथ में मेरी मिसेज है, हमारे 3 बच्चे हैं और मेरा कोई बच्चा मेरे साथ में है इन द बिटवीन दैट टाइम ऑफ द पीरियड दैट टाइम ऑफ द सिचुएशन दैट टाइम ऑफ कंडीशन, अगर कोई जहरीन मेरा गिरेवान पकड़ के कहते भाग यहाँ से और मेरा लड़का मिलिट्री में, तो मेरी बेहुरमती को, मेरा लड़का पुलिस में, मेरा किसान है, मेरा बॉडी बिल्डर है, क्या मेरे अपने बाप की बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकेगा? तो खादिमों के खिलाफ जब तुम वहाँ बोलोगे तो वो अजगर की कुंडली लगाए बैठे हैं, 6 महीने में एक बार सांस लेते हैं और साल भर में एक बार उन्हें खाना नसीब होता है, और मेरे जगह खा गए तो कौन जिम्मेवार होगा? मज़ार पे जो है बेहरमती किया जा रहा है, जैसे मज़ार गरीब नवाज का हो गया, मज़ार जो है महबूब इलाही का हो गया, मज़ार साबिर पाक का हो गया,
वहाँ पे जाएंगे, आपसे पैसे मांगा जाएगा, चप्पल रखने का पैसा, यानी जो है आप फूल वाले परेशान करेंगे, चप्पल वाले परेशान करेंगे, आपको चादर वाले परेशान करेंगे, पैसे नहीं देंगे तो आपके साथ बदतमीजी किया जाएगा। तो इसीलिए आज जो है हम लोग इस बदतमीजी की वजह से कि आज मज़ार पे जाते हैं, सिर्फ एक ही धर्म की नहीं, वहाँ पे सब धर्म के लोग जाते हैं मज़ार पर, और जाने के बाद सब धर्म के साथ जो है बदतमीजी किया जाता है। वहाँ पर बदनाम होते हैं मुसलमान, वहाँ पे बदनाम होता है सुन्नी। आज देवबंदी भी हमें बदनाम कर रहा है, अहले हदीस भी हमें बदनाम कर रहा है कि सुन्नी लोग ऐसे कर रहे हैं। अलबत्ता मज़ार पे बैठने वाला कोई सुन्नी नहीं है, आप चले जाइए अजमेर शरीफ, वहाँ पर जितनी मज़ार पे बैठे हुए खादिम गुंडे लोग हैं सब जो है शिया लोग हैं। तो इस लोगों की वजह से आज सुन्नियत बदनाम है, इस लोगों की वजह से हम सब बदनाम है। आज जो है वो लोग जो है आला हजरत को तरह तरह की गालियां दे रहा है, आज आला हजरत के वहाँ की गुंडे लोगों ने आला हजरत की किताब को नाली में फेंक दिया गया है। आज जो वहाँ के खादिम है उन्होंने आला हजरत की जो है गुस्ताखी की है। इसीलिए जहाँ तक हो सके इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। आज जो मज़ारात पर गुंडागर्दी हो रही है, आप चले जाइए बदामिया शरीफ, वहाँ छोटे सरकार बड़े सरकार के नाम से मशहूर है, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि क्या बात बताओ, आपका दिल नहीं करेगा कि दूसरे मर्तबा इस मज़ार पे आऊँ। तो इसीलिए इस बदनामी की वजह से आज दिल्ली जंतर मंतर जैसे जगहों पर हम जो है बैठे हैं ताकि इसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे, इसकी आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचे हमारी आवाज़ को। तो अभी आपने कहा वहाँ पर बैठे हुए जो शिया है खादिम लोग है, शिया है, हाँ, तो सुन्नियों को वो इस बात की सिद्ध करे कि हम क्या है, लेकिन आज उसके वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। आज जो बेरुमती किया जाए, मज़ार पे सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं, मज़ार पे सिर्फ सुन्नी नहीं जाते हैं, मज़ार पे सब जाते हैं, वहाँ सबके साथ वही रवैया अख्तियार किया जाता है जो और लोगों के साथ किया जाता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर जाने वाले जाहिरीन के साथ बदतमीजी ना किया जाए, उसके साथ मारपीट ना किया जाए, उसके साथ बदतमीजी ना किया जाए, हमारी मांग यही है। अभी आपने कहा कि शिया और सुन्नी, यानी कि आप लोग तो एकता की बात करते हैं हमेशा से, हमने सुना है, देखा भी है, तो वहाँ पर अभी ये आपके आप ही लोगों में इस तरीके का अलग अलग थलग दिख रहा है, ये जो है ये शिया सुन्नी का ये अलग थलग नहीं है, सबके जो है मसलक अलग अलग है। अब वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है गरीब नमाज की नस्ल से है, लेकिन अलबत्ता उनकी नस्ल से नहीं है, इन लोगों की नस्ल जो है अलग है। लिहाजा उसी वजह से आज हमारी जो मांग है कि उस चीज़ को वो सिद्ध करे कि हम क्या है, और उस चीज़ को ये सिद्ध करे, वो अपने आप को तो अच्छा साबित करता है, औरों को बुरा करके मज़ारों पर बैठे हुए उन गुंडों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो लोग जाने वालों के साथ जो है बदतमीजी कर रहे हैं, ख्वाजा के दीवाने हो या महबूबे इलाही के दीवाने हो, वहाँ पर जो मज़ार पर जाते हैं उनके साथ बदतमीजी किए कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो है हम लोगों से बदतमीजी ना करें। जैसे आस्था से जा रहे हैं आदमी की दिल जो है, अगर दिल कह रहा है कि पैसे दूँ तो उससे पैसे लिया जाए, उससे ज़बरदस्ती ना किया जाए, उससे फूल वाले ज़बरदस्ती ना करें, चादर वाले ज़बरदस्ती ना करें, सर पर हाथ रखेगा पैसा दो, मुसाफा करेगा पैसा दो, ये सब नाटक बंद हो। तो इसीलिए हमारी मांग है, आज ये मांग जो है हम दिल्ली जैसे जंतर मंतर जैसे जगहों से आवाज़ उठाई है, आज ये मांग जो है पूरी दुनिया में ये जो है आवाज़ उठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो है लगा ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मुकद्दस दरगाहों के मज़ार पर, जो बैठे मुजाबिर और खादिम होते हैं, जो जिस तरीके की लूट करते हैं, जिस तरीके से वो चादर के नाम पर, चाहे फूल देने के नाम पर जो पैसा वसूलते हैं, कभी चप्पल रखवाने के नाम पर जो लगातार इस तरीके से पैसा वसूलते हैं, जो बाहर विदेशों से भी जो आते हैं फॉरनर्स, तो उनसे चप्पल रखवाने के, फूल देने के, ऐसे ऐसे 400-400 रुपये जो वसूले जाते हैं, उसी के चलते यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरीके की जो है कौम को बदनाम करने का काम ना करें, और इस तरीके से कौम पर जो है दाग और धब्बा ना लगाएं कि इस तरीके से जो लोगों को बदनाम कर रहे हैं और कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं तो वो ना करें, इसी के चलते यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।